Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to discuss the concept of ideal solutions versus non-ideal solutions. मतलब ideal solutions क्या होते हैं और non-ideal solutions क्या होते हैं. तो ideal solutions वो होते हैं जिनमें reactants के दरमियान जो forces या interactions होती हैं, जब वो reactants जो है products में convert हो जाएं तो उनके दरमियान वो forces same रहें. ठीक है, तो हम कहेंगे ये ideal solution है. मतलब उनके दरमियान interactions और forces change ना हो जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो. जबकि अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो ये सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है ना, जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी इंटरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है, मतलब उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती हैं वो सेम नहीं रहती. अगर हम बात करें हमारे सेकेंड पॉइंट की, तो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो वॉल्यूम होता है कंपोनेंट्स का, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हम ऐड कर रहे हैं उनका अलग अलग कुछ वॉल्यूम होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 ml प्लस 3 ml प्लस 4 ml. फर्स्ट करें हमने 3 सॉल्वेंट्स या हमने 3 कंपोनेंट्स लिए और हमने उनको ऐड किया, तो उनका जो वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बनेगा, देखें 4 5 6 7 8 9, तो टोटल तो 9 बनना चाहिए. ठीक है, तो इसका तो 9 ml ही बनेगा. ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स के. जितना जितना कंपोनेंट्स का वॉल्यूम होगा उनको सम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस में ये होता है. लेकिन अगर हम बात करें हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वॉल्यूम जो है कंपोनेंट्स का, उसको अगर हम ऐड करें तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल नहीं बनता. मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या तो कम होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा. ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि इम्प्योरिटीज ऐड हो चुकी होंगी. और कम क्यों होगा? क्योंकि जो है उससे हम जब ऐड कर रहे होंगे तो या तो कुछ मतलब वेस्ट हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा अगर हमारा कोई ऐसा सब्सटेंस है. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स के. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है बात इंथालपी की. इंथालपी जो है वो चेंज इन इंथालपी जो है वो ज़ीरो होता है आइडियल सॉल्यूशंस में. इंथालपी क्या होता है? कोई भी हीट चेंज ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, ना हीट इवॉल्व होगी और ना ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी. कोई भी चेंज नहीं आएगा. इंथालपी का चेंज क्या रहेगा? ज़ीरो. जबकि अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, जो मोस्टली हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं, जब भी हम कोई सॉल्यूशन होता है तो उसमें या तो हीट इवॉल्व हो रही होती है या फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है, एब्जॉर्ब इन्वायरमेंट से हो रही होती है या फिर बाद में रिलीज हो रही होती है जब प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या है, हीट यकीनन इंथालपी यकीनन चेंज हो रही होगी, ज़ीरो नहीं हो सकता उसका चेंज. ठीक है, जबकि आइडियल सॉल्यूशंस में वो चेंज ज़ीरो होता है, ना हीट इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर हम बेंजीन को टोलुइन में ऐड करें, ठीक है, बेंजीन हमें पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर हम बेंजीन में टोलुइन को ऐड करें, ये हमारे पास होता है बेंजीन और ये हमारे पास है टोलुइन. यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, ये हमारे पास है टोलुइन. अगर हम बेंजीन और टोलुइन को ऐड करें तो वो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है. क्यों? क्योंकि उनके इंटरेक्शंस रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की सेम रहेंगी. उसके बाद वॉल्यूम जो, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जितना वॉल्यूम लेंगे और इसका जितना वॉल्यूम लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा एग्जैक्ट. और ना ही हीट इवॉल्व हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है इस रिएक्शन में, इस सॉल्यूशन के बनने में. तो हम कहेंगे ये एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन की. इसी तरह इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस की. ठीक है, और अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें हमारे पास आता है जब हम अल्कोहल को वाटर में ऐड करते हैं. अल्कोहल को जब वाटर में ऐड करते हैं तो इनकी इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, वाटर और अल्कोहल, अल्कोहल के पास OH होता है, वाटर के पास H2O है, तो मतलब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और इनकी इंटरेक्शन चेंज हो जाती हैं. ठीक है, और इसी तरह अगर हम HCl की और वाटर की बात करें तो इनकी इंटरेक्शन भी चेंज हो जाती हैं, इनके वॉल्यूम भी इक्वल नहीं आते. इनके अगर हम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स करें तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल नहीं आते, और ना ही इनमें जो है वो इंथालपी ज़ीरो, इंथालपी चेंज इनमें ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, तो ये हमारे पास था इनका डिफरेंस. होप सो यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.